हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। किसका? यूपी पुलिस यानी जेल वार्डन फायरमैन और घोड़सवार का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम आ चुके हैं। दोस्तों इसके एग्ज़ाम डेट 19 दिसंबर आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, इसके लिए हमने बताया था कि रेगुलर हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। दोस्तों एक आपका हिंदी का और एक आपका जीएस का होगा और कुछ दिन में हम रीजनिंग का भी और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने सुबह क्या किया दोस्तों, ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है। दोस्तों ये हिंदी का हमारा दूसरा है और जीएस का हमने दूसरा सुबह करवा दिया दोस्तों, ठीक है। तो हम टारगेट करते हैं कि कम से कम 37 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चन एग्जाम में करके आए कम से कम दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखिए, अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा दोस्तों। हमने एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों, जिसमें क्या लिखा है, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से। वहां पर जाइए, सभी प्रैक्टिस सेट देखिए दोस्तों। और हमारा लक्ष्य है कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रोज एक प्रैक्टिस सेट, एक जीएस का और एक हिंदी का कम से कम दिया जाए दोस्तों। चलिए देखते हैं, टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो उसमें से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। 114 से लेकर के 150 नंबर तक ये जाने वाला दोस्तों, यानी पूरे 37 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए हो सकता है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ दोस्तों, ठीक है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो किस में हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है किसकी, विशेष की दोस्तों, ठीक है। पहला है राम जाता है, देखिए इसमें कोई विशेषण ही प्रयोग में नहीं आया दोस्तों, कि राम जाता है इसमें कोई भी विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। सीताफल खाती दोस्तों, इसमें भी कोई विशेषण ही नहीं दोस्तों। देखिए, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं दोस्तों। मगर मेरी गाय काली है दोस्तों, तो इसमें विशेषण है दोस्तों, मेरी गाय काली है दोस्तों। देखिए विशेषण और विशेष क्या होते हैं दोस्तों, समझिएगा। विशेष क्या होते हैं, विशेष हम संज्ञा या सर्वनाम को बोलते हैं दोस्तों। विशेष क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को। अब देखिए यहां पर गाय क्या है, विशेष है, और गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है दोस्तों। तो काली शब्द क्या होगा दोस्तों, ये आपका विशेषण होगा दोस्तों, ठीक है। तो काली क्या होगा दोस्तों, ये आपका क्या है, विशेषण है दोस्तों। तो इसे याद रखेंगे कि काली क्या है, आपका विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अधिकरण मतलब क्या था, मैं पर। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, ये आपके क्या है, एक हिसाब से हम इनको देख सकते हैं, ये आपके समास है दोस्तों। जिस किसी समास में अगर मैं या फिर पर दोस्तों छुपा हुआ मिलेगा, वही क्या होता है, अधिकरण कारक का हो जाएगा दोस्तों। तो हम एक एक को क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ के हम देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वाहनारूढ़ है ना, वाहन में रूढ़ दोस्तों, ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल दोस्तों, ये इसमें संबंध कारक होगा। रेखा चित्र, रेखा का चित्र दोस्तों, तो इसमें संबंध हो जाएगा दोस्तों। सत्ताधीश है ना, सत्ता पेधीश दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो अधिकरण किसमें होगा, अधिकरण कारक किसमें होगा दोस्तों, हमारा ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। किसका? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया था दोस्तों, दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन और आपको कंफ्यूज करता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कब, 10 जनवरी दोस्तों। कब मनाया था विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कहां पर, नागपुर में। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों नागपुर में, तभी से क्या होता दोस्तों, 10 जनवरी को हमने डिसाइड किया कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे दोस्तों। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, विश्व हिंदी दिवस कब, 10 जनवरी दोस्तों, और हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, इसीलिए क्या मनाते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता दोस्तों, ठीक। 5 सितंबर को क्या, अध्यापक दिवस दोस्तों, ठीक है। 26 जनवरी को आपको पता है कि इस दिन क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ दोस्तों, ठीक है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए अश्व मतलब होता है घोड़ा दोस्तों, तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची अश्व का
होगा, नहीं दोस्तों इसका बताना है दोस्तों। तो इसमें देखिए घोड़ा होता है, घोटक भी होता है दोस्तों, है भी होता है दोस्तों, और कटक नहीं होता, कटक दोस्तों होता, कटक मीन्स क्या होता है, सेना दोस्तों। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ये सेना का पर्यायवाची दोस्तों। ठीक, तो देखिए क्या होता है, घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, है हो जाएगा, वाज हो जाएगा दोस्तों, तुरंग हो जाएगा, रवि सैंद हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से घोड़े बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, और घोड़े के पर्यायवाची पूछे भी जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता दोस्तों, जो एक स्थान पर टिके ना दोस्तों, वो हमेशा चलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, यायावर बोलते हैं उनको, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता दोस्तों, ये हमेशा कहते हैं इधर उधर घुमा करते दोस्तों, यायावर उनको हम बोलते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 119 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए 119 नंबर क्या है, विषमता का विपरीत क्या होगा दोस्तों, विपरीत मतलब क्या होता है, विलोम शब्द क्या होगा, अगर विषमता की बात करते हैं दोस्तों, विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिकूलता, समानता, असमानता या फिर समानता दोस्तों। तो विषमता क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इनमें से इन चारों में से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है दोस्तों, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है दोस्तों। देखिए दिन का रात विलोम शब्द है, पशु का पक्षी ये भी विलोम शब्द लग रहा है दोस्तों, और माता का पिता ये भी एक क्या दोस्तों, एक जोड़े के समान है दोस्तों। तो हमारा एक अलग क्या होगा दोस्तों, भारी भरकम, ये एक ही से संबंधित दोस्तों, भारी और भरकम ये एक अलग तरीके के सेंटेंस है दोस्तों, मगर ये क्या है, ये लगभग लगभग आपके विपरीत सेंटेंस महसूस हो रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, ये सबसे भिन्न है दोस्तों। अगला है, अल्पता शब्द है दोस्तों, अल्पता शब्द क्या है दोस्तों, तद्भव है या तत्सम है, देशज है या विदेशज है दोस्तों। अल्पता शब्द क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है, तत्सम शब्द है, अल्प मतलब थोड़ा, तो उसी से बना है अल्पता दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी संस्कृत का शब्द है दोस्तों। ठीक, तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो कि थोड़ा सा चेंज होकर हिंदी रूप में यूज में लाने लगे दोस्तों, उनको हम उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। विदेशी शब्द क्या होता है दोस्तों, जो कि विदेशी मतलब क्या, जो आगत हुए शब्द, जैसे कि इंग्लिश के, तुर्की के, फारसी के, जापानी के, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्दों के श्रेणी में लाते हैं दोस्तों। और देश शब्द क्या होता है दोस्तों, देशी भाषा के दोस्तों। ठीक है, जिनके बारे में पता नहीं होता ये कहां से ले गए, जैसे हो गया लोटा हो गया दोस्तों, पगड़ी हो गई ना, खिड़की हो गई, तेंदुआ हो गई, ये सब क्या है दोस्तों, देश शब्द है दोस्तों। तो इससे एक क्वेश्चन आपका आता है, तो इसे भी याद कर लेंगे दोस्तों। अगला है, को चिन्ह के लिए किस कारक का बोध होता है दोस्तों। देखिए कर्म, देखिए कर्ता का नहीं होता, कर्ता ने कर्म को दोस्तों, तो कही क्या हो जाएगा हमारा, कर्म ही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कर्ण का क्या होता है दोस्तों, से होता है दोस्तों। संप्रदान क्या होता है, के लिए, संप्रदान के लिए होता है दोस्तों, अधिकरण में पर होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचाना दोस्तों, आशीर्वाद किस तरह लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है दोस्तों, तो इसको आप लोग बताएंगे कि आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो देखिए दोस्तों कुछ लोग इसको सही मान लेंगे, ये डी नंबर, मगर ये गलत होगा दोस्तों। आशीर्वाद में रा कहां पे, वा के ऊपर लगता है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा, आशीर्वाद होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, देखिए जो ये रा होता है दोस्तों, ये अहा में टूट जाता है, विसर्ग में टूटेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रा की जगह हम केवल अहा लगा देंगे और उसी तरह से हो जाएगा क्या दोस्तों, पुनः प्लस जन्म दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो आपको बता दें विसर्ग संधि, कौन सी विसर्ग संधि होगी दोस्तों, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जहां कहीं भी आपको ऐसे विसर्ग चिन्ह मिल जाए दोस्तों, उसे आंख बंद करके आप विसर्ग संधि के अंतर्गत लाएंगे दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 125 नंबर, देखिए ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया है, किससे, आपके रस से। अभी कल ही हमने रस का मैराथन क्लास चलाया दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा देख सकते दोस्तों, 2 घंटे का, उसमें हमने पूरे रस समाप्त किए और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, लगभग 30+ क्वेश्चन हमने उसमें समाहित किए हैं, जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो शोक किस रस का स्थायी भाव दोस्तों, तो शोक किसका है दोस्तों, तो करुण रस का क्या है, शोक होता है दोस्तों। वीर का क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है कि वीर का क्या बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। हास्य का हास्य होगा दोस्तों, और शांत का क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता, क्या होता है, शांत का निर्वेद होता दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 मानी गई, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार 8 है, बाकी आपको 9 बताने हैं, और आधुनिक कवि जो है दोस्तों, उन्होंने टोटल 11 रस की रचना की है दोस्तों। अगला है, दोहा में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो दोहा में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो आपको बताना है कि दोहा में कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों, 24, 26, 28 या फिर 30।
तो देखिए दोस्तों, देखिए दोहा में आपने सुना होगा 13 और 11 मात्रा होती है, कितनी 13 11, यानी अगर दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों 24 हो जाएंगी। तो कितनी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि दोहा का उल्टा होता है सोरठा। क्या दोस्तों? सोरठा होता है दोहा का उल्टा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोहा का विपरीत क्या होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने होते हैं 11 और 13 मात्राएं होती है, सोरठा में 11 13 और दोहा में 13 11, तो दोनों में 24 24 मात्रा हो जाएंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे दोहा में कितनी 24 दोस्तों, 13 11 दोस्तों, और सोरठा में 11 13 दोस्तों, इसमें भी 24 होंगे क्योंकि इसी का उल्टा हो जाता है दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 127 नंबर 127 नंबर। नवल सुंदर श्याम शरीर सी, सजल नीरद सी कल कांति थी। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, कौन सा है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, या फिर उत्प्रेक्षा है दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपमा दोस्तों। जैसे कि हमने पढ़ाया था दोस्तों, जिस किसी में दोस्तों सात सी सी शरीर है दोस्तों, वो हमारा उपमा अलंकार के श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसमें तुलना की जाती है दोस्तों, तब हमारा देखिए यहाँ पर सी मिल गया दोस्तों, सात सी से सरीस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमा हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में हमने बताया दोस्तों कि उत्प्रेक्षा में जन जानो मनमानो आता दोस्तों, तो उत्प्रेक्षा होता है। रूपक में उस किसी चीज का रूप दे दिया, जैसे हरिपद कोमल का नहीं, चरण कमल बंदो हरिराय, क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको देखना होता। श्लेष नहीं कहा दोस्तों, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष होता दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। देखिए जहां पर स्त्रीलिंग बनाना हो दोस्तों, अगर ता है दोस्तों, जैसे दाता है, इत्ता दाती में नहीं टूटेगा, ता जो होता हमारा त्रा में टूटता दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दा और ता हो जाएगा त्री, दात्री हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। समझिएगा, जिस प्रकार से नेता का क्या होता है दोस्तों, नेता का स्त्रीलिंग का होगा नेताई, नहीं होगा नेत्री हो जाएगा। तक किसमें टूटेगा, त्री में टूटेगा दोस्तों, त्रात्रिशूल में टूटेगा। उसी तरह से अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री होगा दोस्तों। तो हमेशा अगर आप स्त्रीलिंग बनाना सीखते हैं दोस्तों, तो तक किसमें टूटेगा आपका, त्री में टूटेगा दोस्तों। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मान किसमें टूटता है दोस्तों, मान मति में टूटता है दोस्तों, और वान वती में टूटता है अगर स्त्रीलिंग बनाते दोस्तों। ठीक है, वान किसमें टूटेगा, वती में। जैसे भगवान का अगर आपका, भगवान का अगर पूछा जाए स्त्रीलिंग का होगा दोस्तों, भगवान का स्त्रीलिंग का होगा तो भगवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भगवती, क्योंकि वान वती में टूटता, और मान मती, जैसे शक्तिमान का पूछ ले, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुरलिंग शब्द का चयन करो दोस्तों। पुरलिंग कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है कि पुरलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, या फिर परोपकारिणी दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 129 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तेजस्वी दोस्तों। ठीक, तेजस्वी क्या होता है दोस्तों, तेजस्वी का क्या हो जाएगा, स्त्री, तेजस्विनी हो जाएगा दोस्तों। तो इस, ये खुद ही क्या है, पुरलिंग है दोस्तों। हंस का हंसनी, ये तो स्त्रीलिंग है दोस्तों। तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, और परोपकार का परोपकारिणी दोस्तों। ठीक है, तो परोपकारी परोपकारिणी हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये सब क्या है, ये तीनों स्त्रीलिंग है दोस्तों, मगर हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पुरलिंग हो जाएगा। अगला है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं दोस्तों, इस वाक्य में काल पहचानना दोस्तों। करते हैं, ता है, ती है, ते है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जहां पे ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस आते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जैसे सामान्य भूतकाल में क्या होता है दोस्तों, यह हो जाता है, गया 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 है ना, वह गया, तो क्या सामान्य भूत है दोस्तों, मगर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा दोस्तों। देखिए ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द में के अंत में क्या जोड़ने उसका बहुवचन बन जाएगा। देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें दोस्तों हम जन गण वृंद और वर्ग जोड़कर हम उनका बहुवचन बनाते दोस्तों। तो किस प्रकार से शुद्ध का बहुवचन बनाएंगे, अगर शुद्ध में हम क्या जन का प्रयोग करते हैं, शुद्धिजन दोस्तों, तो इसका बहुवचन बन जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शुद्धिजन दोस्तों, तो जन लगा देंगे। जैसे अब देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए गढ़ कैसे, जैसे भक्त का क्या दोस्तों, भक्त का हम जन या फिर गढ़ लगा करके, भक्तगढ़ या फिर भक्तजन लगा के इनका बहुवचन बनाते हैं। वृंद का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे मुनि, मुनि क्या, मुनि का अगर हम बहुवचन बनाएंगे दोस्तों, तो मुनि वृंद, ठीक है, वृंद हो जाएगा दोस्तों। और जैसे दलित का आपसे पूछ लेगा बहुवचन का होगा, तो उसमें हम वर्ग लगा देंगे, दलित वर्ग, इसका बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इसे कहीं पे लोग लगा के से तुम का बहुवचन होगा, तो तुम लोग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तुम के बाद में हम लोग लगा देंगे, तुम लोग क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको बनाना होता। अगला है, मैं अपना सिर खुजाता हूं दोस्तों। इस वाक्य में है दोस्तों अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों, या सकर्मक अकर्मक में से कोई भी नहीं दोस्तों। तो हमारा 132 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया। मैं क्या खुजाता हूं दोस्तों, सिर खुजाता हूं। यहां पे देखिए कर्म हो रहा है दोस्तों, क्या, सिर दोस्तों, क्या है, कर्म हो रहा है दोस्तों।
इसीलिए यहां पे कहा जाएगा सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ दोस्तों, ठीक है। कर्म के अनुसार क्रिया कितने होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक हो जाएगी, जिसमें कर्म नहीं होगा दोस्तों अकर्मक होगी। जिसमें कर्म है दोस्तों इसीलिए कहा जाएगी ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। अगला है गौरव गाथा इन दोनों के बीच में लगा हुआ चिन्ह कहलाता है दोस्तों। ये कौन सा चिन्ह दोस्तों, आपने अगर द्वंद समास देखा होगा, पढ़ा होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा कि ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह दोस्तों। क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह दोस्तों। और आपको लाघव चिन्ह के बारे में बता दोस्तों, लाघव चिन्ह कैसा होता है, जीरो जैसा होता है दोस्तों। जैसे कि आप डॉक्टर लिखते दोस्तों, डॉक्टर को कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते थे दोस्तों। तो जो आपका ये लिखता है दोस्तों, ये है ना, ये वाला चिन्ह, ये क्या करता है उसको संक्षिप्त कर देता, संक्षिप्त चिन्ह इसको बोलते हैं और लाघव बोलते हैं। जैसे आपने कहा एम ए, तो एम ए मास्टर ऑफ आर्ट ना कहते दोस्तों, हमने ऐसे कर दिया, ये क्या क्या ए मतलब क्या होगा, एम ए मतलब क्या होगा, मास्टर ऑफ आर्ट हो गया दोस्तों। तो संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वहीं पे हंस पद को क्या बोलते हैं, त्रुटि विराम बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से लगाया था ऊपर की तरफ, जैसे कहा गया मेरा महान, ठीक, मेरा महान कह देगा दोस्तों। अब हमें याद आया कि हमने भारत लिखना भूल गया दोस्तों, तो अब यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगा देंगे, इसको त्रुटि विराम बोलेंगे और ऊपर भारत लगा देंगे, तो मेरा भारत महान। तो ये वाले हम त्रुटि विराम, हंस पद और इसको और काक पद भी बोलते हैं दोस्तों। जो छूट जाता है छोटे वस्तु, छूटी हुई शब्दों को लिखने के लिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह कैसे होता है दोस्तों, आपको पता होगा, ऊपर की तरफ ऐसे लगा के यहाँ पे लिख दिया था दोस्तों। अवतरण क्या होता है दोस्तों, अवतरण दो तरह के होते हैं दोस्तों, एकाहरा अवतरण और या फिर दोहरा उद्धरण, दोहरा अवतरण। और अवतरण को ही हम उद्धरण भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे रामधारी सिंह दिनकर लिखना है, रामधारी और सिंह, फिर दिनकर को क्या लिखते दोस्तों, आपने देखा होगा दिनकर को हम इन्हीं अवतरण के अंदर लिखते दोस्तों, सिंगल अवतरण के। दिनकर को लिखने के बाद हम ऐसे लगाते दोस्तों ना, तो ये होता है उद्धरण, ठीक। इसको अवतरण या फिर उद्धरण बोलते हैं, एक अहरा उद्धरण होता है दोस्तों और दोहरा उद्धरण भी होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 134 नंबर। अब देखिए 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहु रावण रावण जगत केते। देखिए यहाँ पे देखिए रावण पद दो बार आया दोस्तों। देखिए रावण ऐसे क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, मगर यहाँ पर उसके जात की भी बात की जा रही है दोस्तों। देखिए पहला वाला रावण क्या है, कहो रावण रावण जगत केते, रावण जग में कितने दोस्तों ना, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर रावण किसकी, एक पर्टिकुलर रावण की बात की जा रही है, उसके व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाए व्यक्ति हो जाएगा, मगर ये क्या उसके ग्रुप की बात की, उसके जात की बात की जाए। रावण मतलब अहंकारी टाइप का ना दोस्तों, तो यहाँ पर इस वाले रावण का निकाल जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है कोप शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों। कोप क्या होता है दोस्तों, किसी को कोसना वही का होता, कोप होता दोस्तों। तो कोप का सही मतलब जो पर्यायवाची दोस्तों, उसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अमर्ष। अमर्ष आपको पता होगा दोस्तों, अमर्ष एक प्रकार का संचारी भाव भी है दोस्तों, ठीक है। ये कोप मतलब क्या, किसी कोसना होता उसी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है पॉकेट मार शब्द में समास होगा, तो पॉकेट को मारने वाला दोस्तों, इसमें देखिए आपको कारक चिन्ह मिल गया दोस्तों, को है ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या होता है दोस्तों, इसमें कारक चिन्ह पाया दोस्तों, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते दोस्तों, माता और पिता। कर्मधारय में दोस्तों विशेष विशेषक संबंध होगा और अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मुहावरे, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। आंखें दिखाना लज्जित करना, सावधान रहना, क्रोध से देखना या फिर स्वागत करना मेरे दोस्तों। तो हमारा 137 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोध से देखना, कहीं ना आंखें दिखा रहा हमको ना, तो क्या क्रोध से देख रहा। अगला क्वेश्चन एक अनार सौ बीमार, यह है एक, ये क्या दोस्तों, मुहावरा है, वाक्यांश है, वाक्य है या फिर लोकोक्ति है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, लोकोक्ति है दोस्तों। एक अनार सौ बीमार मतलब एक वस्तु के कई ग्राहक दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों। चलिए अगला है अनुकरणीय में लगा प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, अनुकरणी में लगा प्रत्यय कौन सा दोस्तों, अनुकरण या ई या फिर ई है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 139 का डी नंबर, यानी ई है दोस्तों, ठीक है। अनुकरण प्लस ई है, अनुकरणी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि सामासिक पद है दोस्तों। संबंध बहुव्रीहि सामासिक पद कौन सा दोस्तों, इसमें बताना, दशानन, प्राप्तोदक, लुप्त पद या फिर उपहृत पशु दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 140 का हमारा ए नंबर, आनंद। दस है आनंद, जिसके अर्थात दोस्तों रावण हो जाएगा दोस्तों। जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, बबरी समाज। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना दोस्तों। मेरे जूतों तुमसे अच्छे थे दोस्तों, बिल्कुल गलत ही लग रहा दोस्तों, इसमें तो हमें बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। वह शायद आज से आएगा, तो वह शायद आज शायद से आ जाएगा दोस्तों, ये तो गलत है। वह शायद आज से आएगा तो सही होता दोस्तों। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ठीक। तो ये थोड़ा सा हमें सही लग रहा है दोस्तों। मगर चौथा देखते हैं, चाकू से बच्चे को काट कर फल दो। देखिए चाकू से बच्चे को थोड़ी काटना है, चाकू से फल काट कर बच्चे को दो दोस्तों। तो बच्चे को फल काट कर चाकू से बच्चे को, तो देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा,
चाकू से बच्चे को काटने की बात कर रहा दोस्तों, बच्चे थोड़ी काटा जाएगा, फल काटा जाएगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए 142 से 46 तक आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना दोस्तों, इसके फिर आंसर आपको करने दोस्तों। तो पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन का हम सीधा आंसर देखते हैं दोस्तों। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें इसमें क्या दोस्तों, क्यों होना चाहिए दोस्तों, ये चीज बताएगा, क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग इसको पुश करके देख लीजिएगा, फिर रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों ये पैराग्राफ को। 143 नंबर है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, तो कैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता दोस्तों, कि जिसमें क्या हो, भारतीय सांस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो दोस्तों, क्योंकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों, तो इस गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, तो वो हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम के बारे में बताएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, हमें राष्ट्रीय संस्कृत परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए दोस्तों, क्यों जुड़ना चाहिए दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, भारतीय नव्य समाज शास्त्र से दोस्तों हमें जुड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, किस लिए शिक्षित जन और जो आम जनता है इसमें दोस्तों किस लिए, मतलब सामान्य जनता में किस लिए निरंतर अंतर होता जा रहा है दोस्तों, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, मेन कारण क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते दोस्तों, क्या है, विदेशी चश्मे लगाकर आपने लोगों को मतलब कि उनके प्रति क्या हीन भावना से देखी जा रही दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये यूपी सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। महावीर स्वामी ने आदिकाल को क्या कहा दोस्तों, तो आपको बता दें बीज वपन काल कहा दोस्तों, क्या कहा, बीज वपन काल दोस्तों। अगला है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा ये सभी रचनाएं क्या है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। चिंतामणि किसकी है दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल जी की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है दोस्तों, प्रेम सागर किसकी दोस्तों, तो लल्लू लाल की दोस्तों, ठीक, किसकी है, तो लल्लू लाल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है दोस्तों, ये चीज आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाएंगे दोस्तों। और टोटल हमने 37 क्वेश्चन करवा दिए हैं जिसमें 36 हमने बताया, एक क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है दोस्तों, इसका आंसर हमें बताइएगा कि उदंत मातंग है या फिर बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैग्नीश है या फिर इतिहास तिमिर नासक है दोस्तों। तो जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों, और कल के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपके लिए कल, दो मॉक टेस्ट लेके आते दोस्तों आपके लिए। और इसके लिए बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, हिंदी मैराथन क्लास आपके लिए बनाई है दोस्तों, हिंदी की मैराथन क्लास, एक ही क्लास में सबको निपटा दे दोस्तों, जो चैप्टर उठाया पूरा एक क्लास में समाप्त किया, भले ही आपके एक घंटे से दो घंटे के बीच में क्यों ना लगे हो दोस्तों। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, हिंदी पढ़ना तो संपूर्ण हिंदी मॉक टेस्ट संपूर्ण हिंदी के नाम से भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। और जो हमने ये प्रैक्टिस हम जरूर चलाया है दोस्तों, अभी दूसरा प्रैक्टिस अगर आपने दोनों नहीं देखे दोस्तों, प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाकर के सभी प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदा मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।